कंपटीशन के बारे में कैसे पता चला आपको? कंपटीशन के बारे में हमारी बेटी के स्कूल से पता चला, क्योंकि इनके स्कूल के टीचर ने हमें व्हाट्सएप पे बताया था कि ऐसे ऐसे कंपटीशन चल रहा है। कौन से स्कूल में आपकी बेटी? भारतीय विद्या भवन। अच्छा, भारतीय विद्या भवन। तो ये चीजें तो होती रहती है भारतीय विद्या भवन में, अपने संस्कृति अपने धरोहर को संभाल के रखने के लिए फेमस है भारतीय विद्या भवन। तो क्या लगता है, अपने संस्कृति को बचा के रखना चाहिए हमें? हाँ बिल्कुल, अगर हम अपनी संस्कृति को बचा के नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे आगे हमारे कल्चर के बारे में कुछ कैसे सीखेंगे? और इसमें भारतीय विद्या भवन का कितना योगदान है? हमारे इस स्कूल में बहुत अच्छे से बच्चों को उनके कल्चर के साथ जोड़ा जाता है, उनके कल्चर से रिलेटेड इवेंट्स होते रहते हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छे से पता लगता है अपने कल्चर के बारे में। अभी मैं देखती हूँ कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। आज संडे, या तो अक्सर हम सो रहे होते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जो ज़रूरी नहीं है, तो आज के दिन यहाँ आके बच्चों के साथ फैमिली के साथ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने इन्जॉय किया, बेटी ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया, अच्छे से ड्राइंग किया, तो अच्छा लगा। तो बेटी ने क्या बनाया सर? बेटी ने कैंडी शॉप बनाया था, कैंडीज पसंद है, तो टीचर ने बताया था क्या क्या बना सकते हैं, कैंडी शॉप अच्छी लगती है तो कैंडी शॉप बनाया। अच्छा, आज सर एक बहुत बड़ा दिन है, चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, वो भी 4 स्टेट का, लेकिन सर माम और बाकी लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि वो छोड़ के आज आप अपने बच्चों के लिए यहाँ पे? वो अपने पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छी चीज है, मगर यहाँ पहले हम अपनी पर्सनल लाइफ, ये हमारे बच्चों का जो भी करियर है, एग्जैक्टली वो बुक बेसिकली वो हमारे स्टेट से भी नहीं, डेफिनेटली हमारे देश से जुड़ा हुआ है लेकिन हमारे स्टेट से नहीं है, तो इतना उससे ज्यादा प्रायोरिटी है। बड़ी बात बोली कि मेरे स्टेट से नहीं है, अगर आपके स्टेट से होता तो आज आप यहाँ नहीं दिख रहे हो। नो, डिपेंड्स कि अगर हाँ इलेक्शन होते तो शायद हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, लेकिन अगर आप रिजल्ट आना है तो बेसिकली जो होना है वो हो चुका था, वो तो घर जाके देखेंगे। वो तो घर जाके पता लगेगा। मैम कैसा लगा आपको? मैं तो बहुत एंजॉय करते हूँ ये सब इवेंट्स ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैम, मतलब पार्टिसिपेट करवाती रहती हैं आप अपने? हाँ हाँ, क्योंकि एक्चुअली मैं भी बचपन में खूब पार्टिसिपेट करती थी ड्राइंग कॉम्पिटिशन वगैरह में। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है ना, बच्चों में एक एनर्जी डेवलप कर देती है ये, तो मैं अपनी बेटी को जैसे यहाँ स्कूल वाले ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं या बाल भवन में भी ऑर्गेनाइजेशन होता रहता है इस तरह की एक्टिविटी का, तो मैं इसको पार्टिसिपेट कराती रहती हूँ। ओके, अच्छा आपने बोला कि मेरा बचपन में सपना था, तो ऐसा सबके साथ होता है ना कि एक सपना होता है जो पूरा नहीं होता। सर आपके साथ भी हुआ होगा, मैम आपके साथ और आपके साथ भी हुआ होगा, क्या था वो सपना? मेरा था कि मैं एक ड्रॉइंग टीचर बनूँ। अच्छा, जो कि आफ्टर मैरिज तो बन नहीं पाई फिर मैं अब, लेकिन हाँ मैं अपनी बेटी की टीचर हूँ ऑब्वियसली, तो हाँ मैं अब उसमें उसको भी ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए उसे सपोर्ट करती हूँ कि वो आगे जो उसका ड्रीम है उसे कंप्लीट करे और हाँ फॉलो करें। हाँ मैम आपका सपना क्या था? मैं तो डांसर था यार, मैं डांस मुझे बहुत पसंद था। अच्छा, डांस बहुत पसंद। तो आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? शादी होगी उसके बाद कर ही नहीं पाए, फिर फैमिली तो फिर मैं इसे सपोर्ट करती हूँ पूरा पूरा। अच्छा, मतलब अपने पैशन को फॉलो करें। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ऐसी चीजें होती है ना कि बोलते हैं डांसर बनना तो ठीक है लेकिन पढ़ाई वढ़ाई कर लो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ में बहुत है, बच्चों को हर चीज आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के बलबूते पे आप आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन बहुत है आजकल आगे बढ़ने के, सिर्फ वो लगन होनी चाहिए बंदे में। कैसा लगा मैम यहाँ आके पहले? बहुत तो अच्छा लगा यार, संडे अच्छा निकल गया, घर में तो वही काम रूटीन। अच्छा, हाँ, आप लोगों को काम से भी छुटकारा मिला? हाँ, थोड़ा सा ये है कि घर से बाहर निकले हैं तो बच्चों में एंजॉय और फिनिश भी करा है, आधा फिनिश के आधा घर जाके, लेकिन बच्चों को सपोर्ट। अच्छा मतलब आज भी ड्यूटी पूरी करके आ रही है? एग्जैक्टली, पूरा बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना के भी लेके आए हैं, क्योंकि इसको पहले मॉर्निंग में हमने ड्रॉप कर दिया था यहाँ, अब दोबारा आए हैं तो घर का सारा काम फिनिश करके और फिर दोबारा से आए हैं, लेकिन संडे प्रोडक्टिव रहा। हाँ जी, इनकी खुशी देख के ना जो इनकी फेस पे स्माइल है, हमारा दिल बहुत खुश हो गया, काम वाम ऐसा कुछ नहीं है। संडे बच्चों में इस तरह के एक्टिविटीज में जाए ना तो बच्चे एंजॉय भी करते हैं। आजकल बच्चों को ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं मैं घर पे रहूं सोऊं या टीवी देखूं, बच्चे ऐसे नहीं है, बच्चों को ना एक्टिविटीज करना पसंद है बिल्कुल, और घुलना मिलना। अच्छा बच्चों ने यहाँ आके क्या सीखा? अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने यहाँ आके क्या नया सीखा? मैंने पहली बार पेंटिंग की है स्कूल में। अच्छा पहली बार पेंटिंग की है, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा यहाँ पे बच्चे शेयर कर रहे थे कलर्स वगैरह, आपने शेयर करा, शेयरिंग सीखी आपने? आपने सुना है शेयरिंग इज केयरिंग? यस, हमारे एक मैम है स्कूल में रौना मैम, उन्होंने हमें सिखाया है वाला चैप्टर। सिखाया है तो आप शेयर करते हो। अच्छा आपने और क्या नया सीखा?
मैंने यहाँ पे आके पेंटिंग सीखा और बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, इसलिए मैंने देखा इतना सारा अच्छा, इतने सारे लोग उनके बीच में ये बैठ कर ड्रॉइंग करना, बातें करना, बहुत नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। हाँ, और ये मेरी फ्रेंड एक तो मेरे साथ थी तो मुझे इतना अच्छा लगा। और आपका नाम क्या है? वैदिही। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा। अच्छा, आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि हमें शेयर तो हमें सबसे शेयर करनी चाहिए अपनी चीजें। इसके अलावा मैंने सीखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं पहली बार मैंने ऐसे ही ड्राइंग की है। अच्छा, इतने लोगों के बीच में पहली बार ड्राइंग की है, सेकंड टाइम। अच्छा, कैसा लगता है आपको भारतीय विद्या भवन में? बहुत अच्छी। क्या अलग है भारतीय विद्या भवन में आपको? क्या चीजें जैसे की क्ले, और क्ले मैंने किसी स्कूल में देखी। अच्छा, क्ले से जो चीजें बनाते हैं। अच्छा, क्या क्या बनाते हो आप? मैम जो टॉपिक देते हैं वो बनाते हैं, और वो टॉपिक इतना अच्छा होता है ना, मतलब एक बार मैम ने कहा था कि गणेश जी बनाओ, तो हम सब फ्रेंड ने बनाए थे गणेश जी। सब लोगों ने मिलकर बनाया था। जैसे मैंने लड्डू बनाए तो एक फ्रेंड है उसने गणेश जी बनाए, तो ऐसे हमने सब कुछ। तो ये चीजें जो आपके स्कूल को बाकी स्कूल से अलग बनाती है, ये चीज है। इसके अलावा और क्या क्या होता है आपके स्कूल में? मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे स्कूल में, पूरा टाइम स्पेंड होता है। अच्छा, ऐसे कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं? एनुअल डे में मैं पार्टिसिपेट हुई, इतना अच्छा लगा, सारे लोग आए हुए थे। क्या किया था आपने? मैं पार्टिसिपेट हुई थी, मैं एनुअल डे में मतलब दुश्मन बनी थी एक टाइप। अच्छा, दुश्मन बने थे आप? किसके दुश्मन बने? अच्छा, सोल्जर बने थे, इंडियन सोल्जर्स के बने थे हम। अच्छा, तो क्या किया था आपने उसमें? उसमें हमने फ्लैग ऐसे ऐसे किया था, एंड गन ऐसे ऐसे की थी हमने। अच्छा, आपको क्या पसंद है अपने स्कूल में? मेरे को अपने स्कूल में क्ले मॉडलिंग बहुत पसंद है। अच्छा, और ड्राइंग पसंद है? और ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग पसंद है। तो बड़े होकर किसको क्या बनना है ये बताओ? डांसर। ओके, हाँ, आपकी तो मम्मा ने बोला आप डांसर बनोगे, और आप क्या बनोगे? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनोगे? क्या करोगे आर्टिस्ट बनके? मेरे को पेंटिंग आर्टिस्ट बनके, बड़ी बड़ी पेंटिंग, बड़े कैनवस पे पेंटिंग। किसकी तरह बनना चाहोगे आप? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट की तरह।